योग्यता पात्रता के अभाव के कारण से ऐसा लगता है ना। जो अस्तित्व में है उसकी समझ ना होने मात्र से अथवा उसकी कोई क्षति नहीं होती। मान लीजिए हम व्यापक वस्तु को या प्रकृति को क्रिया को समझते नहीं है तो इससे कोई क्रिया व्यापक वस्तु की क्षति होती ऐसा नहीं। अस्तित्व में पाई जाने वाली वस्तु के स्वभाव धर्म गुण एवं समुचित व्यवहार के अध्ययन तथा ज्ञान पूर्वक किए गए अभ्यास से ब्रह्मानुभूति योग्य क्षमता का विकास होता है। फिर लिखा है कि ब्रह्म ही सत्य है, सहअस्तित्व ही परम सत्य है, सहअस्तित्व में अनुभव ही समाधान, समाधान ही समत्व, समत्व ही आनंद, आनंद ही अनुभव प्रमाण है, अनुभव ही व्यवहार एवं प्रयोग सहज प्रमाण है, उत्पादन समत्व नियम पूर्वक होता है, व्यवहार समत्व न्याय पूर्वक, विचार समत्व जो है समाधान पूर्वक या धर्म पूर्वक, और अनुभव समत्व ब्रह्म सहज व्यापकता में प्रत्यक्ष है। फिर कहा गया कि वस्तु क्रिया रचना और व्यवहार की स्थिति सर्वकाल में परिणाम एवं परिमार्जन पूर्वक विकास एवं जागृति के लिए व्यस्त है। तो वस्तु क्रिया रचना और व्यवहार की स्थिति में सर्वकाल में वस्तु जो है क्रिया रचना और व्यवहार की स्थिति में सर्वकाल में परिणाम परिमार्जन पूर्वक विकास एवं जागृति में व्यस्त है। फिर है कि ब्रह्म सत्ता सहज अस्तित्व देश कालाबाद है, इसलिए मानव परिमार्जनशील है, उसी में अधिकार व अनाधिकार योग्यता एवं अयोग्यता अपेक्षाकृत प्रक्रिया से अभिप्रेत एवं अभिव्यक्त है। सभी परमाणु ग्रह गोल नक्षत्र आदि जो है ब्रह्मा वेष्टित हैं, ब्रह्म में समाहित और संपृक्त हैं। प्रत्येक इकाई गठन पूर्वक इकाई है, प्रत्येक गठन में समाहित प्रत्येक अंश के सभी ओर ब्रह्म है, ब्रह्म प्रत्येक इकाई व अंशों में पारगामी है। फिर ये लिखा है कि व्यापक सत्ता पूर्ण ही है जिसकी अनेक संज्ञाएं हैं, यानी आकाश शून्य ब्रह्म आदि नाम से भी उसको इंगित किया जाता है। फिर लिखा है ब्रह्मानुभूति पर्यंत कोई भी मानव परिमार्जन से मुक्त नहीं है, इसीलिए जागृति अनिवार्य है। तो ज्ञान अवस्था की समस्त इकाइयों का मूल लक्ष्य ब्रह्मानुभूति सहज प्रमाण है, ब्रह्मानुभूति ही सहअस्तित्व में अनुभव है। जीव और ज्ञान अवस्था की इकाइयां जड़ चैतन्य की संयुक्त अवस्था के रूप में जीवित और प्रकट हैं। जड़ ही विकास पूर्वक चैतन्य हुआ है। चैतन्य का तात्पर्य परमाणु का स्वयं में क्रियाशील, संवेदनशील और संज्ञानशील हो जाना है। जीव अवस्था की इकाई में आशा का परिवर्तन परिमार्जन और ज्ञान अवस्था की इकाई में आशा विचार इच्छा संकल्प का परिवर्तन परिमार्जन प्रसिद्ध है। प्रत्येक चैतन्य अपने कार्य क्षेत्र सहित पुंजाकार है। तो जो जिसको अपन जीवन इकाई कह रहे हैं उसका जो रूप है वो अपने कार्य क्षेत्र सहित पुंजाकार है। तो शरीर के आकार में उसमें जो गतिशीलता होती है उसके कारण से वो पुंजाकार के रूप में है ना, समझ में आता है। ज्ञान अवस्था की प्रत्येक इकाई परमाणु समूह से मुक्त है, आशा विचार इच्छा संकल्प से युक्त है, यही इसलिए यह बंधन और मोक्ष का कारण है। फिर लिखा है कि संवेदनाओं में ज्ञान इंद्रियों से आस्वादन अपेक्षा बंधन की ओर तथा ब्रह्मानुभूति मोक्ष की अवस्था है। प्रत्येक परमाणु ब्रह्म में ओतप्रोत है, इसलिए संपूर्ण जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति ब्रह्म में संपृक्त नियंत्रित प्रेरित क्रियारत एवं संरक्षित है। यही कारण है कि मानव अनवरत ब्रह्मानुभूति योग अहर्ता के लिए अभ्योदयशील है। आत्मा में ब्रह्मानुभूति, बुद्धि में आत्मानुभूति, चित्त में बुद्धि सहज अनुभूति और वृत्ति में चित्तानुभूति और मन में वृत्ति सहज अनुभूति की क्षमता होने तक जागृति क्रम है। यह अनुभव समुच्चय है जो समत्व या सहज समाधि है। फिर है ब्रह्म प्राप्ति अप्राप्ति व अभाव के आरोप से मुक्त एवं नित्य वर्तमान है। प्रत्येक मानव इकाई में प्राप्ति अप्राप्ति के अपेक्षाकृत विविधता प्रकट है जो समाधान नहीं है। ब्रह्मानुभूति ही पूर्ण समाधान है। जड़ चैतन्य का आधार ब्रह्म ही है। आधार का तात्पर्य है निरंतर ब्रह्म में नित्य अविभाज्य होने से है। इंद्रियों के द्वारा संपन्न पंच क्रियाकलाप भी चैतन्य के ही हैं। चैतन्य के अभाव में इंद्रिय व्यापार नहीं है। ज्ञानात्मा के समस्त क्रियाकलापों का उद्देश्य केवल क्लेश से मुक्ति पाना है। समस्याएं ही क्लेश है। जीवात्मा के क्रियाकलाप केवल विषय भोग तक सीमित हैं। जीवावस्था की चेतन इकाई जीवात्मा है। संग्रह द्वेष अविद्या अभिमान और भय ही समस्याओं के प्रधान कारण है। ये सब ब्रह्म है जिनका अस्तित्व नहीं है। संग्रह असंग्रह स्नेह विद्या सरलता सहजता अभय ही
क्लेश से मुक्ति व हर्ष के लक्षण हैं। ये समाधान एवं समत्व के भी लक्षण हैं जिनके अस्तित्व की निरंतरता पाई जाती है। तो जैसे तीव्र ताप वश मरीचिका का, भूमि की अपारदर्शिता वश अंधकार का, तथा देहात्मवादी कल्पना मृत्यु का भ्रम जैसा भासता है, वैसे ही भ्रमवश क्लेश होता है। देहात्मवाद का तात्पर्य है शरीर शरीर को जीवन मान लेने से है, यही भ्रम है। निर्भ्रमता के योग्य क्षमता की अपूर्णता ही भ्रम है। भ्रम का निवारण मात्र अनुभव समुच्चय में है। अनुभव समुच्चय मानवीयताधिकार पूर्वक अति मानवीयताधिकार अधिकारों की संपन्नता से है। अति मानवीयताधिकार का स्रोत जो है मानव इकाई की अपनी शक्ति की अंतर नियोजन प्रक्रिया है। क्लेश ही दास्यता है, यह अजागृति का प्रतीक है। इससे उससे मुक्ति ही स्वतंत्रता का लक्षण है। दास्यता से मुक्ति हेतु आप्त पुरुषों के विविध उपदेश हैं जो जीवन के कार्यक्रम एवं व्यवस्था की प्रेरणा स्रोत हैं। दास्यता किसी की भी ऐच्छिक प्राप्ति अथवा इष्ट नहीं है। उपदेश का तात्पर्य उपाय सहित ब्रह्म मुक्ति होने का सूत्र व व्याख्या से है। स्वकर्म परिपाक संस्कार अध्ययन एवं वातावरण ही स्वतंत्रता व स्वतंत्रता के कारण हैं। इन तीनों कारणों की व्याख्या निर्भ्रम स्थिति के लिए नियोजित होने योग्य प्रक्रिया के विश्लेषण के संदर्भ में मानव व्यवहार दर्शन में की जा चुकी है। भोगों की सीमा में सुख भासता है जिसकी निरंतरता नहीं है, प्रसिद्ध है। ज्ञान अवस्था की प्रत्येक इकाई आनंदानुभूति तथा उसकी निरंतरता की ही इच्छुक है। बहुसंख्यक मानव विषय भोग की सीमा में ही इसे पाना चाहते हैं, फलतः क्लेशित हैं या क्लेश है। ज्ञानावस्था की इकाइयों में क्रियाकलाप से आस्वादन अनुभूति ही परिलक्षित होती है। आस्वादन में सुख शांति संतोष आनंद मात्र भासता है, उसकी निरंतरता नहीं है। अनुभूति केवल ब्रह्म में है, ब्रह्म ही सत्य है। नियम न्याय धर्म सत्य सहज ही अनुभव है। संपूर्ण व्यवहार एवं क्रिया का नियंत्रण सत्य में है। इसीलिए जड़ प्रकृति की सत्यता का ज्ञान केवल जड़ प्रकृति की सत्यता का ज्ञान चैतन्य का बोध एवं व्यापक सत्ता में अनुभव प्रसिद्ध है। जड़ प्रकृति की वस्तु स्थिति रासायनिक प्रक्रिया एवं भौतिक संरचना के ज्ञान से है। ज्ञानावस्था की जागृत इकाइयाँ नियंत्रण पूर्वक उसका उपयोग सदुपयोग एवं पोषण करती हैं। मानव का बोध पूर्ण होने पर स्वमूल्यांकन पूर्वक मानवीयतापूर्ण सामाजिकता सुलभ हो जाती है। फलस्वरूप देव एवं दिव्य मानवीयता के प्रति जिज्ञासा एवं लक्ष्य स्फुरित होता है। उसकी पूर्ति हेतु प्रयास भी प्रत्यक्ष है। फिर अगला पैरा है चैतन्य इकाई अर्थात चैतन्य परमाणु में मनोवृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा अविभाज्य वर्तमान है जिसके अध्ययन के बिना सत्यता प्रमाणित होना संभव नहीं है। फिर लिखा है कि मन में 32 प्रकार के आस्वादन, वृत्ति में 18 प्रकार की तुलन, चित्त में 8 प्रकार के चित्रण, बुद्धि में 2 प्रकार के बोध एवं आत्मा में मात्र अनुभूति अनुभव योग्य क्षमता क्रिया का विश्लेषण मानव व्यवहार दर्शन में किया गया है। ब्रह्मानुभूति ही आनंद की निरंतरता है। जागृत मानव में जड़ संपत्ति भौतिक समृद्धि और परस्पर मानवीयतापूर्ण व्यवहार के साथ ही समाधान एवं उसकी निरंतरता है जिसकी उत्कट अभिलाषा भी प्रसिद्ध है। आस्वादन एवं अभिभूति का अवसर मात्र ज्ञानावस्था की इकाई को ही है। प्रकृति की स्थिति संकेत ग्रहण तथा व्यापकता में अनुमान क्षमता ही व्यापकता में अनुमान अनुभव की क्षमता ही ज्ञानावस्था को प्रधान अवसर एवं उपलब्धि के रूप में प्राप्त गरिमा है। ज्ञानावस्था की वांछित परिमार्जन से देव एवं दिव्य मानव पद पाती है, ना कि जीवात्मा। फिर लिखा है कि दिव्य आत्मा का पद ही मोक्ष पद है, यही जागृति का चरमोत्कर्ष है। दया कृपा करुणा ही दिव्य आत्मा का स्वभाव एवं ब्रह्मानुभूत प्रवृत्ति एवं दृष्टि केवल सत्य है। शरीर व्यामोह की सीमा तक ज्ञानात्मा भी जीवात्मा के सदृश दोख दुख शोक आदि कार्पण्य दोष से पीड़ित भ्रमित है, जो केवल न्याय धर्म सत्यानुभूति योग्य क्षमता का अभाव है। आत्मा
स्वभाव से अनुभव रत है, बुद्धि विशेषज्ञ है, चित्त चित्रण वेत्ता है और वृत्ति विचार वेत्ता है तथा मन स्वभाव से रसज्ञ है। यह सब जागृति पूर्वक ही अनुभूति से संपन्न होते हैं। मनुष्य के स्थूल रूप को इच्छा अनुसार संचालित करने वाला चैतन्य पुंज ही ज्ञानात्मा है एवं जीव शरीर को चलाने वाला पुंज जीवात्मा है। अनुभूति पर्यंत जागृति के प्रयास का अभाव नहीं है, साथ ही जड़ प्रकृति परिणाम एवं चैतन्य प्रकृति परिमार्जन प्रक्रिया से मुक्त नहीं है। वस्तु में गुण रचना में परिणाम परिवर्तन तथा चैतन्य में आशा विचार इच्छा में परिमार्जन प्रसिद्ध है। जड़ पक्ष में परिणाम और परिवर्तन, चैतन्य में गुणात्मक परिवर्तन और परिमार्जन क्रिया को पाया जाता है। वस्तु पदार्थ गुण सापेक्ष शक्ति संरचना आकार प्रकार के परिणाम परिवर्तन का कारण विकास क्रम ही है। वस्तु के गुण एवं रचना में परिणाम व परिवर्तन का कारण ही है उसका अस्थायित्व या अपूर्णता। पदार्थ तत्वतः है, परमाणु के स्वभाव गति के रूप में प्राप्त है। परमाणु की अनेक प्रजातियां प्राप्त हैं जिन्हें भौतिक शास्त्र ने सिद्ध कर दिया है। चैतन्य परमाणुओं में गठनात्मक जातियां नहीं पाई जाती हैं, जिसके कारण से उसमें गठन सीमा में विविधता नहीं प्रकट होती है। ज्ञानावस्था की इकाइयां निर्भ्रांत भ्रांत भ्रांता भ्रांत से गण्य है। भ्रांत इकाइयां चार विषयों के भोग के लिए, भ्रांता भ्रांत इकाइयां तीन ऐषणाओं के योग के लिए तथा निर्भ्रांत इकाइयां ब्रह्मानुभूति में तृप्त हैं। चैतन्य इकाइयों और चैतन्य परमाणु में गठन परिवर्तन नहीं है, जड़ परमाणु में गठन गुण व रचना का परिवर्तन होना पाया जाता है। परमाणु के जितने अंश के समाने की संभावना है उतने अंश के समाने पर गठनोपरांत चैतन्य होना और उन समस्त अंशों का अल्प अर्ध और पूर्ण अभिव्यक्त सहज क्रियाशील पूर्वक ही परिमार्जित होना पाया जाता है। मन वृत्ति चित्त बुद्धि में परिमार्जन प्रत्यक्ष है। चैतन्य अवस्था की इकाइयों में गठन पूर्णता संपन्न हो चुकी है, जिसके कारण मानव जीवन में 32 प्रकार के आस्वादन, 18 प्रकार के तुलन, 8 चित्रण, 2 प्रकार की बोध और आत्मा में मात्र अनुभव सिद्ध है। अंतर्यामी की संज्ञा पारगामिता के आधार पर व्यापकता से है। अंतर्यामी में अनुभूति यानी व्यापक सत्ता में अनुभूति में अभिमान समाप्त होता है। अभिमान भ्रम का ही अंश है या भ्रम ही है, ऐसा भी कह सकते। अंतर्यामी में बोध होने पर संसार को एक परिवार के रूप में आत्मीयता पूर्वक स्वीकारता है। अंतर्यामी में बोध होने पर संसार को एक परिवार के रूप में आत्मीयता पूर्वक स्वीकारता है। यही सर्व सुख का सूत्र है। आत्मीयता ही परस्पर अपराधों तथा अपव्ययों का निरोधक और नियामक है। साथ ही न्याय धर्म सत्य के अनुसरण के लिए प्रेरणा प्रदायिनी है। परस्परता में अपराध व अपव्यय का अभाव ही सह अस्तित्व सामरस्यता है। जागृत मानव व्यवहार काल में सह अस्तित्व की कामना करता है व प्रमाणित रहता है। आत्मबोध के अभाव में अंतर्यामित्व में अनुभव ज्ञान होना संभव नहीं है। सत्ता में संपृक्तता का बोध ही अंतर्यामी सहज बोध है। आत्मा अनवरत मध्यस्थ क्रिया है, वह अधिक व कम से मुक्त है, आवेश से रहित है, शोक मोह भ्रम से मुक्त है, शोक मोह एवं भ्रम से मुक्त है। इसलिए आत्मा से प्रभावित बुद्धि, बुद्धि से प्रभावित चित्त, चित्त से प्रभावित वृत्ति, वृत्ति से प्रभावित मन ही उत्पादन व्यवस्था और व्यवहार का नियंत्रण करता है। अन्यथा में व्यवहार और उत्पादन व्यवस्था के द्वारा नियंत्रित पाया जाता है, जो दासता है। जब आत्मा आत्मा से प्रभावित बुद्धि, बुद्धि से प्रभावित चित्त, चित्त से वृत्ति, वृत्ति से मन के प्रभाव में उत्पादन व्यवस्था और व्यवहार का नियंत्रण होता है, तभी स्वतंत्रता का अनुभव है। इससे विपरीत यदि व्यवस्था उत्पादन और व्यवहार से यदि नियंत्रण पाया जाता है, जो दासता है। क्योंकि अभी जो व्यवस्था है वो भय से नियंत्रण की बात है, इसीलिए भयपूर्वक नियंत्रण दासता है। अभी जो व्यवहार है वो अमानवीयता का व्यवहार है।
अमानवीय व्यवहार के लिए विवश होना जो है व्यवहार दासता है, और जो नियम विरुद्ध उत्पादन करना जो है वो कार्य दासता है, कर्म दासत्व है। दासत्व के क्रम से न्याय समाधान अनुभूति योग्य क्षमता संपन्नता प्रमाणित नहीं होती। यदि दासत्व है, व्यवहार कर्म और विचार का दासत्व है, उस स्थिति में न्याय समाधान और अनुभूति योग्य क्षमता संपन्नता प्रमाणित नहीं होती। आत्मा मध्यस्थ क्रिया की प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित है। मध्यस्थता ही समाधान, समाधान ही न्याय, न्याय ही मध्यस्थता या समत्व है। अनुभूति योग अवसर मनुष्य को प्राप्त है। फिर है आत्मा चेतन इकाई के गठन के मध्य में स्थित पाई जाती है। आत्मा चेतन इकाई के गठन के मध्य में स्थित पाई जाती है, अतः वह मध्यस्थ क्रिया है। अन्य चारों स्तरीय अंश अंतरांतर अंतरांतर परिवेश में आत्मा के सभी ओर भ्रमणशील हैं, इसलिए सम और विषम क्रियाएं हैं। इकाइयों का नियंत्रण मध्यस्थता में ही है, तो मध्यस्थ जो गुण है वही सम और विषम को नियंत्रित करता है। जो मध्यस्थ क्रिया आत्मा की है वही जीवन में सम विषम क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जड़ क्रिया का नियंत्रण नियम में, सामाजिकता का नियंत्रण न्याय में, आशा विचार इच्छा का नियंत्रण समाधान में, अनुभव नियंत्रण ब्रह्मानुभूति में है। अनंत अनंत क्रिया समूह ही प्रकृति एवं विराट है। प्रत्येक क्रिया विराट का ही एक अंश है। प्रत्येक परमाणु भी एक सूक्ष्म विराट है। फिर है लक्षण पूर्वक ही नियम न्याय समाधान व अनुभव दर्शन है। नियम में अपरिणाम, अपरिवर्तन, अपरिपाक। न्याय में असंदिग्धता, धर्म में निर्विषमता एवं सह अस्तित्व, समाधान में स्वर्गीयता व समृद्धि और अनुभव में आनंद की निरंतरता है। इसके लिए मानव तृषित है। कल हम लोगों ने लगभग इतना पढ़ लिया था, तो एक बार मैंने इसलिए पूरा इसका पठन कर दिया ताकि आपके स्मरण में आ जाए। इससे आगे का पठन हम लोग आज करेंगे। नियम, न्याय, धर्म, सत्य भी ब्रह्मानुभूति सहज अर्थ को इंगित करते हैं। इन सब में व्यापक ही इंगित है। पाठक जी, इसमें एक दो डाउट हैं। पहले उनको हाँ जी बताइए, कर लें। जैसे कर लीजिए। ना पेज 9 पे, मतलब अध्याय 2 का जो सेकंड पेज है, जी बोलिए। ब्रह्मानुभूति पर्यंत कोई भी मानव परिमार्जन से मुक्त नहीं है। जी तो ये परिमार्जन क्या चीज होती है? परिमार्जन मतलब है जागृति, जिसको अपन जागृति तो के लिए। भ्रांता भ्रांत आदमी को ब्रह्मानुभूति हुई रहती है? उसको ब्रह्मानुभूति का आभास रहता है। आभास रहता तो। प्रमाणित करने के अर्थ में अच्छा, उसको ये नहीं रहता है। ये होने के बाद परिमार्जन खत्म होता है, मतलब ब्रह्मानुभूति होने के बाद परिमार्जन। ब्रह्मानुभूति पूरी, मतलब ब्रह्मानुभूति हो गई, उसके बाद दिव्य हाँ मानवीयता है। दिव्य मानवीयता है, क्योंकि दिव्य हाँ मानवीयता में परिमार्जन नहीं है, मानव में, देव मानव में परिमार्जन। परिमार्जन क्या चीज बताई थी आपने अभी? मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा का जागृत हो जाना, आत्मा आत्मानुसंगी हो जाना, उसको परिमार्जन कहते हैं। तो वो तो फिर जागृति हो गई, अनुभव हो गया वो वो तो। जागृत, हाँ जी, अनुभव हो अच्छा गया ना। ओके। इसके बाद में ना नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 10 पे ना, प्रत्येक मानव इकाई में प्राप्ति अप्राप्ति के अपेक्षाकृत विविधता प्रकट है। मतलब है इसका प्राप्ति अप्राप्ति के अपेक्षाकृत। मतलब अभी जो समृद्धि की निरंतरता नहीं है, उसके आधार पे विविधताएं हैं, अमीरी गरीबी के रूप में। ओके, समृद्धि में कोई अमीरी तो एब्सोल्यूट टर्म में हो गया फिर, होता है ना।
अमीरी बीबी। और इसके बाद ना 5-6 बुलेट छोड़ के लिखा है, संग्रह द्वेष अविद्या अभिमान में भय समस्याओं प्रधान कारण है, ये सब भ्रम है जिनका कोई अस्तित्व नहीं, ऐसा लिखा है। कोई अस्तित्व जब नहीं। हाँ इनका अस्तित्व तो नहीं है तो फिर एक कारण कैसे हो गए? प्रधान कारण भी लिखा है इसको, तो जिस चीज का अस्तित्व तो नहीं वो कारण कैसे हो सकती है, नहीं, जैसे अतिव्याप्ति समस्या का दोष कारण होता है, होता है। जो अतिव्याप्ति दोष होता है ना, वस्तु जितनी उससे ज्यादा मान लेते हैं हाँ इसको अतिव्याप्ति दोष होते हैं। तो जितनी है उससे जितना मानते हैं वो वाला जो मान्यता है ना, उसका अस्तित्व नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं रहता है, वो केवल मान्यता में रहती ओके, अस्तित्व तो नहीं है का मतलब सिर्फ मान्यता है, यहाँ लिख देते हैं मान्यता। मैं है। सोचने लगा हाँ जब कारण है तो फिर अस्तित्व कैसे नहीं होगा भी इसका, नहीं, अब जो है ये आपने क्या है? मान लिया है, मान लिया है ना, तो उस मानने के कारण से जो है भ्रम रियलिटी में नहीं कहलाता है, हमने मान लिया मतलब है ना, है। हाँ इसलिए जी। अस्तित्व नहीं है। पेज नंबर 11 पे ना ये लिखा है, स्वकर्म परिपाक संस्कार, इसके बाद कौन आना चाहिए क्या, फिर अध्ययन और वातावरण। हाँ, ये तीन तीनों की बात आई है ना, नीचे लिखा ना, तीनों कारणों की हाँ और तो ये क्या व्यवस्था की चीज होती जगह है? हाँ व्याख्या लिखा। ये स्वकर्म परिपाक संस्कार क्या चीज होती है? परिपाक का मतलब होता है योग वियोग एवं संयोग पूर्वक जो है, जो परिणति परिवर्तन और परिमार्जन है, उसको उसको कहते हैं स्वकर्म परिपाक। इसको प्रैक्टिकली देखें तो आज के दिन अपने मतलब क्या है इसको, क्या कि हाँ जैसे मान लीजिए अभी हम लोग अध्ययन की प्रक्रिया में है हाँ ना, जी हाँ तो जी अध्ययन की प्रक्रिया के कारण से हमारे अंदर स्वकर्म परिपाक भी चल रहा है साथ साथ, है ना। सो इट इज अ सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट हाँ, मानसिक। एक प्रकार से कुछ जागृति की ओर गतिशीलता। ओके ओके, अध्ययन हो ही गया मतलब है ना, और वातावरण मानवकृत और जो प्राकृतिक है ये वातावरण हो गया ना। हाँ, ज्यादातर मानवकृत वातावरण ज्यादा सुनता प्रभावशाली। कारण, इन तीनों कारणों की व्यवस्था निर्भ्रम स्थिति के लिए व्यवस्था निरोगी कौन व्यवस्था नहीं है, व्याख्या है व्याख्या होना चाहिए जो। ना, व्याख्या। निर्भ्रम स्थिति के लिए नियोजित होने योग्य प्रक्रिया का विश्लेषण मानव की जाएगा। नेक्स्ट पेज में ना फिर ये लिखा, जड़ प्रकृति की सत्यता का ज्ञान, चैतन्य का बोध और व्यापक सत्ता में अनुभव स्वयं सिद्ध है, क्या मतलब है इसका? जड़ पहली बात प्रकृति का तो जो रूप गुण स्वभाव धर्म होता है ना, उसका ज्ञान होता है। वस्तु स्थिति सत्य कर दूं इसको, वस्तुगत सत्य। वस्तुगत सत्य। ओके, ये तो उसका ज्ञान होता हाँ जी, है और चैतन्य का बोध होता ज्ञान है। ज्ञान चैतन्य का ज्ञान नहीं जिसको होता जिसको अपन कहें दर्शन, दर्शन और ज्ञान ऐसा कहेंगे, है ना। है? नहीं, चैतन्य का बोध क्यों लिखा है? चैतन्य का जो, चैतन्य में भी ये होता है, चैतन्य के अंदर भी क्रिया है ना, तो उसका भी ज्ञान होता है। नहीं, चैतन्य में ज्ञान क्यों नहीं लिखा, बोध लिखा है हाँ, वहां। लेकिन लेकिन उसमें जो जिसको अपन कह रहे हैं कि जो चैतन्य में मूल जो चीज पहचानने की है वो बोध है। बोध का मतलब है अपने होने का बोध, वो जड़ में नहीं होता है, वो केवल चैतन्य में होता है। और जो व्यापक सत्ता में अनुभव, ये तीन तीन अलग अलग बातें बोली हैं। जड़ प्रकृति में जो सत्यता है उसका ज्ञान है ना, और चैतन्य में बोध। ठीक है, और व्यापक वस्तु का बोध में लिखा है, चैतन्य बोध नहीं लिखा हुआ है। है, चैतन्य का हेलो, बोध होता है ना, चैतन्य इकाई जो है नहीं, उसमें। चैतन्य जिसको जीवन बोल रहे हैं ना अपन, हाँ, जिसको अपन जीवन कह रहे जीवन हैं परमाणु ना। को चैतन्य बोल रहे हैं ना अपन।
हाँ, तो वो जो बोध होता है ना, वो बुद्धि में होता है, उधर तो बार बार ये उसमें लिखा रहता है पूरे दर्शन में कि जीवन ज्ञान, जीवन ज्ञान लिखा रहता है, तो यहाँ जीवन का बोध क्यों लिखा है? ये बोध के बाद ही जीवन ज्ञान होता है, पहले आत्मबोध होता है, आत्मबोध के बाद जो है स्वबोध होता है, फिर सअस्तित्व बोध होता है, ऐसा क्रम से होता है। तो सअस्तित्व आत्म बोध तो जैसे आगे लिखा हुआ है ना तो इसमें। जीवन में जिसको अपन संक्रमण कह रहे हैं ना, संक्रमण का जो क्रिया है, जैसे ही वो जिसको अजागृति से जागृति में आने की बात है ना, या अहंकार से निरंकार होने की जो क्रिया है, वो बोध पूर्वक ही होती, इसीलिए उसमें बोध प्रधान क्रिया है चैतन्य में। मेरा यहाँ पे ना सीधा सीधा एक ये है क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्ञान बोध एंड अनुभव, डिफरेंस क्या यहाँ है? पर, यहाँ पे जब ज्ञान की बात कर रहे हैं ना, जड़ प्रकृति में बोध नहीं है और जड़ प्रकृति में अनुभव नहीं है, लेकिन उसमें सत्यता का ज्ञान है। सत्यता का ज्ञान है मतलब उसका रूप है, गुण है, स्वभाव का अध्ययन है, धर्म का अध्ययन है। प्रकृति में मूल रूप से रूप गुण स्वभाव का अध्ययन है, जड़ प्रकृति में बोध नहीं है, जड़ प्रकृति में अनुभव नहीं है। फिर कह रहे हैं कि जो चैतन्य प्रकृति है उसमें बोध जो है वो है, और बोध के साथ साथ उसमें व्यापक सत्ता में अनुभव है। ये दो दो चीजों का भेद कर रहे हैं, जड़ और चैतन्य में, क्योंकि जड़ का भी दर्शन है और चैतन्य का भी दर्शन है, लेकिन चैतन्य के दर्शन में मूल जो क्रिया है वो बोध और अनुभव की है, जो आत्मा में और बुद्धि में होता है, और जो जड़ प्रकृति है उसमें बोध और अनुभव नहीं होता है, इसी बात को लिख रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पेज नंबर 14 पे जी ना, वस्तु में गुण है ना, हाँ रचना में परिणाम वह परिवर्तन तथा चेतन आशा विचार इच्छा में परिमार्जन प्रत्यक्ष है। तो यहाँ पे जड़ वस्तु की बात हो रही है। इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि ये वस्तु और जी रेफरेंस क्या है? है वस्तु, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वस्तु एंड रचना? वस्तु का मतलब है, रचना रचना वो एक मिनट बता रहा हूँ ना, तो वस्तु का मतलब है जब परमाणु, जिसको अपन भौतिक रासायनिक बोल रहे हैं, वो वस्तु है। रचना का मतलब है जब वो प्राणावस्था में आ गई है, जब जीवावस्था में आ गई, ज्ञानावस्था में आ गई, तब वो रचना है। जब तक प्राण कोशा नहीं बनी है ना, तब नहीं, तक धरती भी एक रचना है, धरती प्राणावस्था थोड़ी है। भैया रचना, नहीं, धरती रचना है, अपने में कहाँ रचना धरती में तो चारों चीजें हैं ना, चारों अवस्थाएं धरती। है? पदार्थावस्था है बेसिकली। नहीं, बेसिकली क्या होता है उसमें, अविभाज्य रूप से प्राणावस्था भी है ना, अविभाज्य रूप से जीवावस्था भी है, ज्ञानावस्था भी। धरती का चांद, मतलब है चांद को एक चारों धरती अवस्थाओं का। माने? हाँ, तो अभी चांद में वो चारों अवस्था, नहीं, अभी चांद में चारों अविकसित अवस्थाओं की, अविकसित अविकसित धरती है। नहीं प्रश्न क्या है मैं समझा नहीं, कुछ कुछ और तो नहीं बोलने लगा मैं। मेरा प्रश्न ये है कि अपन ये बोल रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वस्तु एंड रचना? यहाँ पे किस वस्तु चीज का को रचना? मतलब अब है, जैसे आपने कहा मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, वस्तु, व्यापक को भी वस्तु बोला गया है। वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर जो बात चल रही है ना, वो भौतिक रासायनिक वस्तु की बात चल रही है, उसी अर्थ में बता रहे हैं। भौतिक रासायनिक वस्तु, जीवन वस्तु और व्यापक वस्तु, इन तीन के संदर्भ में बात चल रही है। तो यहाँ पे वस्तु शब्द जो है भौतिक हाँ, बात चल रासायनिक रही है। के इसके पहले संदर्भ। तो चैतन्य नहीं, संदर्भ तो इससे पहले अनुभव का आया है, जागृति का आया है, चैतन्य का आया है, इससे पूर्व पहले वाले पैराग्राफ में। वहां कहाँ इसका जड़ प्रकृति का कहाँ जिक्र है? इससे पहले वाले पैराग्राफ में इससे अनुभूति इससे पर्यंत ठीक जागृति के प्रयास पहले, का भाव नहीं है। हाँ, हाँ इससे ठीक पहले वाली जो लाइन है ना, उसमें लिखा है ना, साथ ही जड़ प्रकृति परिणाम एवं चैतन्य प्रकृति परिमार्जन से मुक्त नहीं है। तो जो ओके जड़ ओके प्रकृति और ओके, ये चैतन्य यहाँ प्रकृति, है। हाँ, फिर उस रेफरेंस में बोल रहे हैं ना। जी ठीक, वो हमारा ध्यान नहीं गया उधर। कोई बात ये नहीं। पाठक में क्या चीजें होती हैं? व्यवहार दासत्व, कर्म दासत्व, विचार दासत्व, क्या चीज मतलब एग्जैक्टली व्हाट इज दिस?
मतलब जो हम सोचना नहीं चाहते हैं वो सोचना पड़े, वो विचार दासत्व। हम जो विचार करना नहीं चाहते हैं उस विचार के साथ रहना पड़े, वो विचार करना पड़े, वो विचार बोलना पड़े, वो सब विचार दासत्व। व्यवहार का मतलब हम जो ओके व्यवहार okay, करना नहीं चाहते। मतलब जब तक ये अनुसंधान नहीं हुआ था तो बाकी के दो विचार के साथ अपने को चलना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड विचार दासत्व, मीन्स वी डोंट हैव एनी विकल्प। हाँ, क्योंकि समाधान नहीं है ना। हाँ मतलब विकल्प नहीं है अपने पास, समस्या ही है सिर्फ मतलब। और कर्म दासत्व की ये क्या चीज होती है? कर्म दासत्व का मतलब है हम जो करना नहीं चाहते वो करना पड़े। जैसे हम नियम विरुद्ध करना उत्पादन, अभी हम जैसे मान लीजिए हम जो है प्रदूषण वाली दवाइयों वाली जो है सब्जियां अन्य अन्न खाना नहीं चाहते, हमको खाना पड़ रहा है या उत्पादन करना पड़ रहा है, ये कर्म दासत्व हो गया ना। मतलब हमको पता है सही क्या है, इसके बावजूद भी हम सही नहीं कर पा रहे हैं, तो वही तो कर्म दासत्व हो लेकिन उसमें गया। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं, मतलब जैसे आपने दो एग्जांपल दिए हैं ये मतलब पोल्यूटेड खाना खाना, तो बहुत सारे जैसे सिक्किम अपना एक स्टेट है वो नहीं हाँ करते जी, ऐसा कुछ भी, तो वो वहाँ मतलब हाँ इसका मतलब मतलब वहाँ कर्म का कर्म एक दासत्व नहीं है। आयाम, मतलब कर्म का एक आयाम बताया ना मैंने, मनसा वाचा हाँ कर्मणा, तीनों प्रकार के कर्म है ना। कर्म जो है 9 प्रकार से है ना, कृत कार्य उसमें तन बेसिक तो मोदित मनसा ही है, है। कार्य बेसिक तो दासत्व तो नहीं उसमें लिखा है, विचार ही कर्म है। दासत्व हाँ तो हाँ नहीं। तीनों बातें हैं ना, तो विचार तीनों है, लेकिन वो विचार से चलता है ना, काई को ठीक है, विचार जो है कायिक वाचिक मानसिक कृतकारी तन्मोदित, तो ये ना। तीनों में फैलता है ना, विचार करना, विचार करवाना, विचार का अनुमोदन करना है ना। ऐसे ही तीनों प्रकार के हैं ना, कृतकारी तन्मोदित और कायिक वाचिक मानसिक। तो मानसिक में विचार हो गया है ना, और वाचिक में जो है वो हो गया अभिव्यक्ति, और कायिक, तो मैंने कायिक का एक उदाहरण दिया था आपको। दासत्व तो ये वाला और तीसरा है व्यवस्था दासत्व, व्यवहार दासत्व, जिसको ये व्यवहार का क्या चीज दासत्व। होती है? जैसे अभी अमानवीय व्यवहार में हमको जीना पड़ रहा है, अमानवीयता को कोई चाहता नहीं, जैसे युद्ध कोई चाहता नहीं पर युद्ध की स्थिति में जीना पड़ रहा, द्वेष कोई चाहता नहीं द्वेष में जीना पड़ा। जाके हमारे पास जो दो विचार हैं अभी उनकी वजह से जो है ना उसमें हमारे पास विकल्प नहीं है ना, हाँ तो कर्म दासत्व और विचार दासत्व विकल्प विहीन, मतलब यही हुआ ना। हाँ जी, तो विचार दासत्व की मुक्ति समाधानित विचार से है, और कर्म दासत्व की समाधानित व्यवस्थात्मक कार्य से है, और जो व्यवहार दासत्व जो है वो स्वतंत्रता सापेक्षता से मुक्ति के रूप में है। सापेक्षता पेज से नंबर मुक्ति को 17, यानी पेज 17 पे लक्षण पूर्वक ही नियम न्याय समाधान व अनुभव दर्शन है, ये क्या हाँ, मतलब लक्षण पूर्वक का मतलब? क्योंकि ये व्यापक वस्तु है ना, ये जो नियम न्याय समाधान और जो अनुभव है वो व्यापक ही है, उसमें नीचे लिखा भी हाँ है कहीं ऊपर, अपन ने पढ़ा था कि ये व्यापक नियम में को ही परिणाम इंगित, अपरिवर्तन, ये उसी से नीचे का जो दूसरा अध्याय है ना, दूसरा पैराग्राफ है, नियम न्याय धर्म सत्य हाँ शब्द भी ब्रह्मानुभूति हाँ सहज अर्थ को इंगित करता है, इन सब हाँ में समझ गया व्यापक मैं। ही इंगित है। हाँ तो मतलब ये जो व्यापक के अलग व्यापक, अलग नाम है बताते भी है ना वो, तो नियम व्यवहार काल में न्याय के रूप में, और जो है ना और तो विचार काल में इसीलिए समाधान के लक्षण, रूप में। इसीलिए लक्षण शब्द से वो पहचानने में आते हैं। ओके जैसे जैसे मान लीजिए कोई आदमी विश्वास पूर्वक जीता है ना, तो वो तो वो न्याय का लक्षण एग्जाम्पल हो से, गया। वो लक्षण से पहचानने में आता है। यानी ओके उसमें ओके अगर शिष्ट मूल्य है ना, सहयोगिता, सहकारिता, सहभागिता, पूरकता, यदि ये दिखता है तो उससे जो है पता लगता है कि वो विश्वास में यानी न्याय पूर्वक दिखा है, तो इसीलिए लक्षण पूर्वक दिखा है। पेज नंबर 19 पे टॉप का जो है ना, क्रिया अनंत संख्या में, यहां से पढ़ लिया था क्या पढ़ने, यह भी पढ़ना है? पढ़ना है अभी इसको।
हाँ चलो फिर ले भी सकते आपने पढ़ हैं। लिया तो आप पूछ सकते हैं। हाँ मैंने 2-3 बार पढ़ा है, कुछ बातें मेरे को समझ में आई। चलो एक बार वो आएगा तो देख लेंगे कि आप तो ठीक आगे है, तो अभी हम लोग पीछे। यही पढ़ रहे थे, नियम न्याय धर्म सत्य शब्द भी ब्रह्मानुभूति सहज अर्थ को इंगित करते हैं, इन सब में व्यापक ही इंगित है। ये लिखा है जी व्यापक पूर्ण ही है, इसीलिए नियम न्याय धर्म सत्य जो है वो पूर्ण ही है ना। जागृत मानव में स्वतंत्रता ही समाधान, समाधान ही समत्व, और समत्व ही सहज समाधि, और सहज समाधि ही आनंद, आनंद ही जीवन जागृति, और जागृति ही स्वतंत्रता है। फिर लिखा है स्वतंत्रता की कामना प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान है, क्योंकि दासत्व तो नहीं चाहता ना आदमी, इसीलिए उसमें स्वतंत्रता की कामना है। जड़ प्रकृति के साथ नियम पूर्वक उत्पादन, अब देखिए ये जो तीनों प्रकार के दासत्व है ना, तो इसके लिए मुक्ति का भी इसमें बताया है कि जड़ प्रकृति के साथ नियम पूर्वक उत्पादन, जिसको अपन कर्म दासत्व भी बोल सकते हैं ना, समाज में न्यायपूर्व व्यवहार, तो व्यवहार दासत्व से मुक्ति के लिए समाज में न्यायपूर्वक व्यवहार, और स्वयं में समाधान पूर्ण विचार, तो समाधान पूर्ण विचार से विचार दासत्व से मुक्ति होती, एवं सत्ता में अनुभव पूर्ण क्षमता से संपन्न होना ही मानव इकाई का परम जागृति है, यही स्वतंत्रता है। यानी इन तीनों से दासत्व की मुक्ति हो गई है ना, वही स्वतंत्रता है। आत्मा में कोई दासत्व का लक्षण नहीं होता है, इसीलिए आत्मा के बारे में दासत्व शब्द का उपयोग नहीं किया गया है ना। तो जो दासत्व जो है वो केवल विचार कर्म और व्यवहार में ही होता है, या विचार कार्य और व्यवहार में, ऐसा भी हम लोग बोल सकते। फिर यही स्वतंत्रता का आद्यंत लक्षण है, ऐसा लिखा है। ठीक है, फिर आगे है स्वतंत्र मानव इकाई जागृति सहज प्रमाण है, तथा अन्य उसका अनुसरण करने में या पूर्ण जागृति के निकट है। स्वतंत्र मानव इकाई जागृति सहज प्रमाण है, तथा अन्य उसका अनुसरण करने में या पूर्ण जागृति के निकट है। फिर लिखा है कि जागृति पूर्ण मानव इकाई अन्य के अभ्युदय के लिए सहायक है, यदि जागृति नहीं हुई तो वो अन्य के अभ्युदय में कैसे सहायक हो। फिर लिखा है कि स्वतंत्र मानव इकाइयों की संख्या वृद्धि हेतु मानवीयता सहज व्यवहार उत्पादन तथा व्यवस्था का अध्ययन व आचरण की एक सूत्रता आवश्यक है। तो यदि हम मानवीयता सहज मानव को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए व्यवहार उत्पादन और व्यवस्था का अध्ययन व आचरण की एक सूत्रता आवश्यक है। मानव इकाई पूर्ण जागृति पूर्वक ही अनुभव वेत्ता सिद्ध हुई है। पंडित जी, यहाँ आचरण की एक सूत्रता से क्या मतलब? आचरण की एक सूत्रता का मतलब है विचार व्यवहार और व्यवसाय में एक सूत्रता हो जाए। जब हम आचरण की बात करते हैं ना, तो चारों आयाम की बात हो रही होती है, अनुभव विचार व्यवहार व्यवसाय। और जब हम केवल विचार बोलते हैं तो विचार है, जब व्यवहार बोलते हैं तो केवल व्यवहार क्रिया है, और जब व्यवसाय बोलते हैं तो व्यवसाय क्रिया है, जब आचरण कहते हैं तो ये तीनों या चारों को मिला के आचरण। हाँ ठीक है ना भाई, मेरा मतलब ये था भाई, स्वतंत्र इकाइयों का अगर संख्या वृद्धि होनी है तो उसमें व्यवहार उत्पादन और व्यवस्था का अध्ययन होना जरूरी है। यानी कि ये तो हो गया शिक्षा संस्कार पूर्वक। मानवीयता सहज, हाँ मानवीयता मानवीयता सहज पूर्ण, व्यवहार, हाँ हाँ मानवीयता सहज मानवीय पूर्ण उत्पादन। शिक्षा से यही होगा ना, जी, व्यवहार की शिक्षा होगी, उत्पादन की शिक्षा होगी, और व्यवस्था यानी कि दसों पानी व्यवस्था की शिक्षा होगी। उसके बाद आचरण की एक सूत्रता का मतलब क्या? मतलब ये जो जो जागृत आदमी है उसके आचरण में भी ये तीनों चीजें हों, यही मतलब है एक सूत्रता हाँ का। हाँ मतलब जो जागृत व्यक्ति जैसे है अभी उसमें अभी अपने जो है ना, बातों बातों में तो है ये सब चीजें, व्यवहार उत्पादन व्यवस्था भी, बातें तो बहुत करते हैं अपन, लेकिन अपने जीने में नहीं आया है ये।
तो क्या ये ऐसा कहना चाह रहे हैं भी इसका मतलब कि लॉजिकली भी ये हमारे पास आंसर्स होने चाहिए और वो हमारे जीने में भी होना चाहिए, ऐसा ऐसा कुछ है क्या? मैंने अध्ययन व आचरण, लॉजिकल, हाँ लॉजिकल आंसर होने का मतलब विचार में समाधान, हाँ जिसको अपन तर्क सम्मतता बोल रहे हैं ना, तर्क सम्मत जी होना है ना। तो हाँ तर्क तर्क जो है विचार का, विचार आयाम का वस्तु है तर्क। फिर जो विचार में समाधान है वो न्यायपूर्ण व्यवहार में आना चाहिए। तो यदि वो न्यायपूर्ण व्यवहार में आता है तभी एक सूत्रता बनती है। किसमें एक सूत्रता बनती है? व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय, है ना। मतलब ये हो ना, मानवीय व्यवहार, मानवीय उत्पादन, मानवीय व्यवस्था का हमारे पास अध्ययन भी हो और अध्ययन करते करते जितना हमें समझ में आता है आचरण, वो हमारे आचरण में भी हो, आचरण के, इसी को एक सूत्रता बोल रहे हैं। हाँ इसी को एक सूत्र। चलिए फिर मानव इकाई पूर्ण जागृति पूर्वक ही अनुभव वेत्ता सिद्ध हुई, जड़ अवस्था से विकास पूर्वक चेतन अवस्था प्राप्त होती है। ये चेतन इकाई इकाइयां ही जीव आत्मा तथा ज्ञान आत्मा के भेद से गण्य है। जीव शरीर को चलाने वाले जीवात्मा, मानव शरीर को चलाने वाला जो जीवन है वो ज्ञान आत्मा, गठन के रूप में उनमें कोई भेद नहीं है, आचरण के रूप में भेद है। फिर मनुष्याकार शरीर को ज्ञान आत्मा अपनी आशा, विचार, इच्छा इच्छा अनुसार संचालित करता है। मनुष्याकार शरीर को ज्ञान आत्मा अपनी आशा, विचार, इच्छा अनुसार संचालित करता है। जीवात्मा मनुष्येतर पशु पक्षी आदि जीव शरीरों को आशा के अनुरूप संचालित करती हैं। ज्ञानात्मा ही जागृति पूर्वक मनुष्यात्मा, देवात्मा और दिव्यात्मा में गण्य है। मनुष्यात्मा या मानवात्मा भी बोल सकते हैं, मानवात्मा, देवात्मा, दिव्यात्मा में गण्य है। क्रम से इन्हीं को मानव, देव मानव, दिव्य मानव की संज्ञा प्रदान की गई है। दिव्य मानव को ब्रह्मानुभूति, देव मानव को ब्रह्म प्रतीति एवं मानवीयता पूर्ण मानव को ब्रह्म का आभास और अमानव में ब्रह्म भासता है। दिव्य मानव को ब्रह्मानुभूति, देव मानव को ब्रह्म प्रतीति और मानवीयता पूर्ण मानव को ब्रह्म का आभास तथा और अमानव में ब्रह्म भासता है। इसलिए जिनको चार विषयों में भोग अतिभोग करते हुए सुख भासता है उसकी निरंतरता नहीं हो पाती है, यही अमानव में जागृति सहित अपेक्षा है। आनंद की निरंतरता की आशा, आकांक्षा, जिज्ञासा मानव में पाई जाती है। जागृति पूर्वक ब्रह्मानुभूति के लिए मनुष्य प्रयासरत है। इसमें भी आशा जो है वो अमानव में होती है, आकांक्षा जो है मानव मानव में होती है और जो जिज्ञासा है वो देव मानव में होती है। जागृति पूर्वक ब्रह्मानुभूति के लिए मनुष्य प्रयासरत है। क्रिया तथा ब्रह्म में लक्षण भेद है। तो क्रिया राजा, ये मीटिंग मैंने ज्वाइन की, बेटा इसमें जी, आवाज नहीं आ रही है जी। आपको आवाज नहीं आ रही है? हेलो अभय उनको आवाज भाई, आ रही है? आवाज उनको हवा नहीं आ रही है पाटिल जी, है? उनको घर में हवा नहीं आ रही है, आवाज तो आ रही है उनको। नहीं हवा नहीं, आवाज नहीं आ रही है, सब हो रही है। अच्छा अभय भाई हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। ठीक है, आ रही है आवाज? हाँ, बिल्कुल आ रही है, आ रही है। हमको बहुत ठीक क्लियर है, ठीक हो गया हो गया है जी, बहुत क्लियर है ना हमको। अच्छा बहुत बढ़िया, ठीक है। तो क्रिया और ब्रह्म में लक्षण भेद है ना। तो जैसे क्रिया के बारे में है, ब्रह्म के बारे में है कि वो व्यापक वस्तु है, अखंड है, पूर्ण है, असीमित है, निराकार है आदि, इस तरीके के जो लक्षण, शून्य है, और जो क्रिया है वो सीमित है ना आदि आदि। तो दोनों में जो लक्षण भेद के आधार पे इनका भेद है ना। फिर है कि क्रिया अनंत संख्या में अनेक अवस्थाओं में स्थूल सूक्ष्म कारण भेद से प्रत्यक्ष है।
तो क्रियाएं जो हैं वो अनंत संख्या में हैं, जैसे ग्रह गोल नक्षत्र तारामंडल आदि, ये सब मिला के, या अनंत परमाणुओं के रूप में, है ना। और फिर वो कह रहे हैं कि उसमें भी जो क्रियाएं हैं वो तीन प्रकार की हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण, और जो ब्रह्म है वो अखंड है, पूर्ण है और व्यापक है। तो ब्रह्म की लाक्षणिकता क्या है कि वो अखंड है, यानी उसका भाग विभाग नहीं होता है, वो पूर्ण है। पूर्ण का मतलब है कि उसमें कोई गति, तरंग, विकास, ह्रास, जागृति आदि नहीं है, ना, वो घटता बढ़ता नहीं है, इस रूप में पूर्ण है और व्यापक है, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए वो व्यापक है। फिर लिखा है कि जड़ क्रिया का परिणाम परिवर्तन परिपाक प्रसिद्ध है। तो जड़ क्रिया में तीनों प्रकार की घटनाएं होती हैं, परिणाम भी होता है, परिवर्तन भी होता है, परिपाक भी होता है। फिर चैतन्य क्रिया में आशा, विचार, इच्छा एवं संकल्प सक्रियता एवं उनका परिमार्जन विकल्प भी प्रसिद्ध है। तो जैसे जड़ में परिणाम परिवर्तन परिपाक है, उसी तरीके से चैतन्य में आशा, विचार, इच्छा, संकल्प सक्रियता, उसकी सक्रियता का बढ़ना और उसमें परिमार्जन का होना, है ना, परिमार्जन विकल्प भी प्रसिद्ध है। फिर लिखा है कि सत्यानुभव, सत्यानुभव योग्य क्षमता, योग्यता, पात्रता से परिपूर्ण होना, सत्यानुभव योग क्षमता पात्रता योग्यता से परिपूर्ण होने तक स्वीकृति रूपी परिपाक परिमार्जन और जागृति सहज विकल्प की श्रृंखला बनी हुई है, जो पूर्णता एवं स्वतंत्रता हेतु मार्ग है। सत्यानुभव आत्मा में, बोध बुद्धि में, प्रतीति चित्त में, आभास वृत्ति में और भास मन में होता है। फिर लिखा है कि अनुभव क्षमता की आंशिकता में बोध, तो ये क्रमशः कम होता जाता है ना। अनुभव क्षमता आत्मा में, अनुभव क्षमता पूरी होती है, अनुभव क्षमता की आंशिकता में बोध, बोध की आंशिकता में प्रतीति, प्रतीति की आंशिकता में आभास तथा आभास की आंशिकता में भास क्षमता प्रसिद्ध है। जो जो साक्ष में प्रत्यक्ष होने वाली संज्ञानीय क्रियाएं हैं, यही ज्ञानावस्था सहज महिमा है। पांच संवेदन क्रियाओं के द्वारा आस्वादन एवं स्वागत क्रिया की अभिव्यक्ति होती है। तो आस्वादन और स्वागत दोनों क्रियाओं की जो अभिव्यक्ति है वो संवेदनाओं के माध्यम से ही होती है। स्वागत भाव पक्ष को बोध पूर्वक अनुभव भी होता है। स्वागत एवं आस्वादन क्रिया मानव में प्रसिद्ध हैं। स्वागत भाव हेलो, में, हाँ जी हेलो। इससे बोलिए। पहले जो लिखा ना, जो साक्ष्य में प्रत्यक्ष होने वाली संज्ञानीय क्रिया है, ये साक्ष्य का मतलब क्या है? आत्मा के साक्षी में, ओके, साक्ष्य, साक्ष्य का मतलब क्या होता है? साक्षी होता है ना वो तो। हाँ वही साक्ष। अच्छा, चलिए। साक्षी और साक्ष एक ही अर्थ है दोनों, थोड़ा सा क्रिया और संग। जो संज्ञानीयता है ना वो सअस्तित्व के साक्ष में या साक्षी में या अनुभव के साक्षी में या आत्मा के साक्षी में, बुद्धि के साक्षी में प्रत्यक्ष होती है। जो संज्ञानीय क्रियाएं हैं जिनको अपन ज्ञान विवेक विज्ञान भी कहते, और जो संवेदन संवेदनशील क्रियाएं हैं ना वो साक्षी में नहीं है। लेकिन ये लिखा है कि उसके बाद नीचे संवेदन क्रियाओं की बात लिखी है। पांच संवेदन क्रियाओं के द्वारा आस्वादन और स्वागत क्रिया दोनों की अभिव्यक्ति उसी से होती है, क्योंकि जो स्वागत क्रिया की भी अभिव्यक्ति जो है शब्दों के माध्यम से ही होती है, भाषा, भाव, भंगिमा, मुद्रा, शब्द आदि के माध्यम से होती है ना। तो उसमें शब्द जो है वो भी एक संवेदन क्रिया ही है। स्वागत एवं आस्वादन क्रियाएं मनुष्य में प्रसिद्ध हैं। स्वागत भाव में अनुभव के लिए और आस्वादन भाव में भोगों के लिए अनुमान अंकुर है, अनुमान का अंकुर है ना, अनुमानानु अंकुर है। भोग पूर्वक आस्वादन केवल जड़ पक्ष में से के लिए है,
अनुभवाकांक्षी स्वागत भाव सत्य में ही है। भोग पूर्वक आस्वादन क्रिया जड़ में से के लिए है, क्योंकि जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है ना, वो जड़ में ही होता है। तो जड़ में, जड़ से जड़ के लिए है ना आस्वादन क्रिया भोग पूर्वक। और जो अनुभवाकांक्षी स्वागत भाव सत्य में से के लिए है, जो न्याय धर्म के रूप में, नियम न्याय धर्म सत्य के रूप में ही है ना। फिर लोक सत्य, लोक सत्य यानी वस्तु का सत्य जिसको कहते हैं, वस्तुगत सत्य, वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य, वस्तु स्थिति सत्य। लोक सत्य का मतलब सहस्तित्व होगा, है ना। नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। नई किताब में क्या लिखा है अजीत जी, आपके पास है ना नई किताब, उसमें क्या शब्द लिखा है? कहाँ पे? ये हमारी किताब में लिखा है, लोक सत्य, वस्तु स्थिति सत्य एवं वस्तुगत सत्य के रूप में तथा तथा व्यापक 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 स्थिति स्थिति पूर्ण पूर्ण। प्रसिद्ध है। हाँ, तो वस्तुगत व्यापक स्थिति सत्य हो, पूर्ण वस्तु प्रसिद्ध। स्थिति, तो यहाँ पे लोक सत्य, लोक सत्य को स्थिति सत्य बोल सकते हैं ना अपन, देश दिशा काल। हाँ ऐसा बोल सकते हैं, स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य के रूप में अपन तथा व्यापक वस्तु स्थिति पूर्ण प्रसिद्ध है। भी तुक्के तो लगाने लग ये गए भाई। नहीं, वो ठीक है ना, वो वस्तुगत सत्य ऐसे ही अपन ने पढ़ाई है ना, क्योंकि आप सब पढ़ चुके हैं व्यवहार दर्शन है, तुक्के की क्या बात है। यह प्रमाण सिद्ध है, दर्शन क्षमता की अपूर्णता की स्थिति में अनुमान अध्ययन और अनुभव के लिए प्रयास का उदय होता है। दर्शन क्षमता की अपूर्णता की स्थिति में अनुमान अध्ययन और अनुभव के लिए प्रयास का उदय होता है। लक्षण और लक्ष्य के योगफल में अनुमान का उदय होता है। लोक सत्य ही लिखा है भैया पुरानी किताब में। अच्छा, पुरानी में तो मैं पुरानी से ही पढ़ रहा हूँ, नई में पूछ रहे मुझे थे आप। दूसरी, हाँ नया पीडीएफ आया उसमें भी ना लोक सत्य ठीक है, है। तो लोक सत्य का मतलब हम लोग ये लगा रहे थे कि वस्तु का सत्य और वस्तु स्थिति सत्य तो लिखा हुआ है, स्थिति सत्य नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए स्थिति सत्य के अर्थ में लोक सत्य होगा। भैया लोक और लोकेश भी शब्द आता है ना, प्रकृति और फिर हाँ, उस अर्थ में भी। हाँ स्थिति स्थिति पूर्ण तो लिखा ही है ना, स्थिति सत्य जब बोल रहे हैं ना तो इसको स्थिति पूर्ण तो लिखा ही है ना। वो तो व्यापक के लिए लिखा है। हाँ तो स्थिति सत्य तो उसी को बोल रहे हैं ना। नहीं, स्थिति सत्य व्यापक को नहीं बोल रहे हैं, स्थिति सत्य जो है सहस्तित्व को बोल रहे तो व्यापक को स्थिति पूर्ण से। कहते हैं। हाँ, व्यापक स्थिति पूर्ण है तो फिर ये भैया। लोक सत्य सह अस्तित्व तो हो गया फिर तो। हाँ हाँ, भैया, तो सह अस्तित्व को ही तो स्थिति सत्य बोलते हैं। हाँ 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 जी वही फाल्गुन। वही भैया, वही लोक सत्य मतलब सअस्तित्व ही लगता है, क्योंकि सत्य हाँ को सह अस्तित्व, अस्तित्व लेते हो, लोक को अगर प्रकृति लेते तो सअस्तित्व ही हो गया। तो सह अस्तित्व को ही तो हम लोग स्थिति सत्य भी बोलते हैं ना। एक है वस्तु स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति का मतलब देश काल दिशा, वस्तु और स्थिति के बीच में देश काल दिशा है ना। वस्तु का सत्य रूप गुण स्वभाव धर्म, और स्थिति सत्य सह स्थित है, ऐसा बोलते। तो इसलिए जब लोक सत्य की बात आ रही है तो सह स्थित की बात आ रही है ना, और जब व्यापक स्थिति पूर्ण कह रहे हैं तो केवल व्यापक की बात है। भैया लोक ठीक की है ना। परिभाषा, लोक शब्द की परिभाषा है चारों अवस्थाएं, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था समेत तालमेल सहित वर्तमान, इच्छा की पूर्ति के लिए क्रिया, क्रिया की पूर्ति के लिए इच्छा, ये लोक की परिभाषा दी है, तो इसके आधार पे ठीक लोक है, सत्य। दूसरे मोटे तो मोटे रूप में देखें तो लोक और लोकेश बोलते हैं ना, तो जी लोकेश का मतलब व्यापक वस्तु है, लोक का मतलब है क्रिया, जिसको अपन क्रिया बोल रहे हैं, क्रिया और इच्छा की सम्मिलित, उसको लोक कहते हैं। क्रिया और इच्छा के
कि जो सम्मिलित क्रिया है उसको लोक बोलते हैं, जो व्यवहार दर्शन में जो परिभाषा है। स्थितिशील लोग भैया, स्थितिशील इसमें बोला गया है, स्थितिशील लोग सत्य। ठीक है, तो यहां पर लोक सत्य का मतलब है सहस्तित्व, वस्तु स्थिति का सत्य का मतलब है देश काल दिशा, वस्तुगत सत्य का मतलब रूप गुण स्वभाव धर्म के रूप में, तथा व्यापक वस्तु स्थिति पूर्ण के रूप में है ना, प्रसिद्ध है, यह प्रमाण सिद्ध है। दर्शन दर्शन क्षमता की अपूर्णता की स्थिति में ही अनुमान अध्ययन और अनुभव के लिए प्रयास का उदय होता है। फिर लिखा है कि लक्षण और लक्ष्य के योगफल में अनुमान का उदय होता है। विज्ञान एवं विवेक ज्ञान का ही प्रमाण है, जो अनुभव समाधान व्यवहार व प्रयोग ही है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि विवेक एवं विज्ञान ज्ञान का ही प्रमाण है और यही अनुभव समाधान व्यवहार एवं प्रयोग ही है। फिर वस्तु सामयिक सत्य है, जिसको अपन देश काल दिशा कह रहे हैं। हेलो, फिर काल क्रिया परिणाम से मुक्त नित्य सत्य ब्रह्म ही है, जो काल नहीं है क्रिया नहीं है परिणाम से मुक्त जो है, जो नित्य है सत्य है वो ब्रह्म ही है। फिर संवेदनाओं के आस्वादन की अपेक्षा में स्वागत भाव का अधिक हो जाना ही जागृति की ओर गति है, इसके विपरीत भोगों में प्रवृत्ति है जो अजागृति व हिरास का लक्षण है। आत्मा कारण आत्मा कारण या मध्यस्थ क्रिया है, अस्तित्व एवं आनंद ही उसका आद्यांत लक्षण है। आत्मा में जो आचरण है वो अस्तित्व और आनंद के रूप में है। आत्मा कारण क्रिया है, अस्तित्व एवं आनंद ही उसका आद्यांत लक्षण है। ज्ञानावस्था में मानवीयता पूर्ण मनुष्य ही उत्पादनशील व्यवहारशील विचारशील एवं अनुभवशील इकाई है। मनुष्य में कार्य व्यवहार मनुष्य में कार्य व्यवहार काल कार्य व्यवहार काल विचार काल एवं अनुभव काल प्रसिद्ध है। मनुष्य में कार्य व्यवहार काल विचार काल एवं अनुभव काल प्रसिद्ध है। उत्पादन व्यवहार एवं विचार की उपादेयता अनुभव की आशा एवं आकांक्षा में ही है। उत्पादन व्यवहार एवं विचार की उपादेयता अनुभव की आशा एवं आकांक्षा में है। ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई सत्ता नहीं है। मानव अपने से कम विकसित के साथ उत्पादन करता है या उत्पादन करना चाहता है या उत्पादन करने के लिए बाध्य है। मानव अपने से कम विकसित के साथ उत्पादन, समान के साथ व्यवहार, अधिक श्रेष्ठ का सानिध्य और व्यापकता में अनुभव करना करता है, करना चाहता है या करने के लिए बाध्य है। मानव अपने से कम विकसित के साथ उत्पादन, समान के साथ व्यवहार, अधिक श्रेष्ठ का सानिध्य एवं व्यापकता में अनुभव करता है, करना चाहता है या करने के लिए बाध्य। ठीक है, अभी इसमें और कोई मुद्दा बचा चर्चा के लिए? ये जो दो ढाई पेज नए पढ़े हैं अपन ने इसमें, भास्कर भाई कुछ पूछना है क्या? संजीव भाई, संदीप भाई, इसको भैया थोड़ा सा देखते हैं। संवेदनाओं के आस्वादन की अपेक्षा में स्वागत भाव का अधिक हो जाना ही जागृति की ओर गति है। तो मतलब हमारा न्याय धर्म सत्य के प्रति स्वीकृति हो जाना, मतलब जैसे अभी जो आशा विचार इच्छा है ना वो संवेदनाओं में लगे रहते हैं, जिसको अपन आसक्ति भी कह रहे हैं ना। ठीक है, हाँ। या
आस्वादन क्रिया करें। आस्वादन क्रिया का मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध में सुख को पहचानने में लगे रहते हैं, आशा विचार इच्छा। यदि वो इसकी बजाय वो न्याय धर्म सत्य को है ना को समझने की दिशा में यानी उसमें अंतर्नियोजन हो जाए तो उस स्थिति में कहेंगे कि जागृति की ओर गति हो गई। मतलब हमारे लिए आस्वादन क्रियाएं गौण हो जाएं और जो संज्ञानशीलता के रूप में स्वागत भाव जो है वो वरीय हो जाए तो हम जागृति की ओर जा सकते हैं। मान लीजिए इन दोनों में तुलना करना हो, जैसे हम किसी के साथ संबंध निर्वाह करते हैं ना, तो संबंध निर्वाह करते हैं तो हम जो भौतिकता है जो इंद्रिय आस्वादन है वो हमारे लिए प्राथमिक है या संबंध में न्याय प्राथमिक है? तो उत्तर आता है कि संबंध में न्याय प्राथमिक है। यदि संबंध में न्याय प्राथमिक हो गया है इसका मतलब है जागृति की ओर गति है, तो स्वागत की अधिकता हो गई थी। स्वागत, हाँ वही स्वागत है, तभी वरीय होगा ना, नहीं तो वरीय। यहाँ पे जो बात है कि हम जो आस्वादन कहते हैं लक्ष्य मूलक भी है और मूल्य मूलक भी है, और संवेदना मूलक तो नहीं है ना सिर्फ, तो फिर वो आस्वादन को फिर हम कैसे कहें? वो स्वागत भाव होने के बाद या न्याय धर्म सत्य की स्वीकारता के बाद ही वो आस्वादन बनते, इस अर्थ में कह रहे हैं? वो तो उसके बाद ही बनते हैं ना, उससे पहले कहा? उससे पहले तब वो उसमें ऐड हो जाते हैं। तो उन मतलब जिसको अपन लक्ष्य मूलक और जिसको मूल्य मूलक मूल्य मूलक कह रहे हैं, तो जैसे मूल्य मूलक आस्वादन का मतलब ही तो है स्वागत भाव अधिक हो जाना, और लक्ष्य मूलक आस्वादन का भी मतलब है कि स्वागत भाव का अधिक हो जाना। इसीलिए पहले भी ये कह दिया ना उन्होंने कि जो पांच संवेदन क्रियाओं के द्वारा ही आस्वादन एवं स्वागत भाव की अभिव्यक्ति होती है, तो वो लक्ष्य मूलक और अभिव्यक्ति के अर्थ जी। तो जब मुझे मेरा जो कार्य या व्यवहार होगा वो लक्ष्य मूलक और मूल्य मूलक आस्वादन की अपेक्षा में है, जो चयन है नहीं स्वागत भाव की अपेक्षा में जब हमारा कार्य और व्यवहार होगा तो कार्य व्यवहार करते समय हमको जो आस्वादन है वो लक्ष्य मूलक मूल्य मूलक होगा। तो आशा हमारी यानी जब रुचि मूलक आस्वादन की तुलना में लक्ष्य मूलक आस्वादन और मूल मूलक आस्वादन वरीय हो जाता है या प्राथमिक हो जाता है उस स्थिति में जागृति की ओर गति। और इसके विपरीत यदि रुचि मूलक आस्वादन प्रदान हो जाता है यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध में जीने की प्रवृत्ति तो आसक्ति होगी है ना, उसी को भोगों में प्रवृत्ति कह रहे हैं जो अजागृति और हिरास का लक्षण। तो संवेदनाओं से जो सुख लेना है एक्चुअल में वही भोग है, वही भोग है, चार विषय में और पांच संवेदनाओं में। और जो शरीर मूलक जो क्रियाएं जैसे उत्पादन में मतलब जो उत्पादन को वरीय मानते हैं व्यवहार को है ना उससे कम मानते हैं वो भी एक प्रकार से संवेदनाओं के अर्थ में, क्योंकि सारा सारा जो उत्पादन है ना वो रुचि मूलक आस्वादन ही है पोषण के साथ। तो इसीलिए जब यदि उत्पादन व्यवहार निर्वाह के अर्थ में हो जाता है तब वो उत्पादन का नियंत्रण हो जाता है, जिसको अपन कह रहे हैं कि जो समृद्धि है वो सामाजिकता के निर्वाह के अर्थ में। यदि सामाजिकता के निर्वाह के अर्थ में समृद्धि है तभी समृद्धि का सदुपयोग सिद्ध होता है। ठीक है, और कोई प्रश्न? भास्कर जी भैया, जी भैया, ये पेज नंबर 26 पे लिखा है जड़ यानी स्थूल क्रिया का परिणाम परिवर्तन, तो ठीक है लेकिन परिपाक प्रत्यक्ष है, परिपाक का मतलब जड़ में परिपाक, परिपाक का मतलब होता है गुण परिवर्तन की क्रिया है ना, वो तो परिवर्तन जैसे, जैसे हम लोग इसमें आयुर्वेद में परिपाक करते हैं ना, औषधियों को किसी रस में डालते हैं जी, तो
तो रस में डालने से उसमें एक नया गुण पैदा हो जाता है, उसको परिपाक कहते हैं। जी जी, और परिवर्तन उसके दिखाओ में गुण वृद्धि के लिए भी करते हैं ना, गुण वृद्धि। जैसे आंवले के रस से आम्ल की रसायन बनाते हैं ना, तो वो आम्ल की रसायन बनाने की क्रिया परिपाक है, है ना। वैसे ही जैसे हम खाना पकाते हैं ना, खाना पकाते हैं तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है, वो परिपाक क्रिया है ना, एक नया स्वाद पैदा होता है और स्वाद में वृद्धि हो जाती है, कई बार गुण में वृद्धि भी हो जाती है। जैसे मान लीजिए खीर बनाते हैं, वो एक परिपाक है ना, दो तीन चीजों के योगफल में एक नया गुण पैदा होता है, जो ना दूध का है ना चावल का है, एक नया गुण है जिसको पुनः खीर का गुण कहे। जी भैया, आखिरी पंक्ति जो है, मानव अपने से कम विकसित के साथ उत्पादन, तो यहाँ कम विकसित का अर्थ मानवीतर इकाइयों के बारे में कहा जा रहा है या जागृति क्रम में कम विकसित ऐसा कहा जा रहा है? जागृति में जो कम है उनकी बात कर, जागृति में कम है उससे उनके साथ उत्पादन कैसे होगा भैया? क्योंकि उनको जागृति की ओर ले जाने के अर्थ में जो साथी सहयोगी संबंध है ना, उस अर्थ में। क्या वाक्य क्या है संदीप जी? संदीप, मानव अपने से कम विकसित के साथ उत्पादन, समान के साथ व्यवहार, अधिक श्रेष्ठ का सानिध्य और व्यापकता में अनुभव करता है, करना चाहता है या करने के लिए बाध्य है। अच्छा अच्छा, दोनों बातें हैं भैया इसकी, दोनों ले सकते हैं। एक तो हमसे कम विकसित मतलब जो है समझदारी में कम, और मुझे लगता है कि मानवेतर तीन जो अवस्था है उनको भी जो है हाँ, उनके साथ भी उत्पादन का काम हो सकता है, उनके साथ उत्पादन करता है। हाँ, वो भी ठीक ही अर्थ है, दोनों अर्थ हैं। तो जैसे जिसको अपन कह रहे हैं प्राकृतिक ऐश्वर्य के साथ उत्पादन होता है ना, तो प्राकृतिक ऐश्वर्य जो है वो चैतन्य इकाई प्राकृतिक ऐश्वर्य में सबसे सर्वोच्च विकसित है ना, उस अर्थ में कम विकसित के साथ उत्पादन होता है, यानी पदार्थावस्था के साथ, प्राणावस्था के साथ और जीवावस्था के साथ उत्पादन है। और मानव के साथ भी है, यदि कोई मानव कम विकसित है तो वो उत्पादन में सहयोगी हो जाता। हाँ भैया, मुझे लगता है कि यहाँ जो है ना मानवेतर तीन अवस्था की बात है, क्योंकि समान के साथ व्यवहार मतलब मानव के साथ व्यवहार ही हो सकता है, मानव के साथ कार्य नहीं हो सकता, चाहे कम विकसित हो या ज्यादा विकसित हो। ठीक है, आपकी बात से सहमत। ठीक है भैया, तो जब व्यवहार कभी कब होगा, जब दो मानव हो जाएंगे तभी व्यवहार हो पाएगा, मानव मानव के बीच में व्यवहार हो सकता है। और अधिक श्रेष्ठ का सानिध्य, तो मानव देव मानव और दिव्य मानव के साथ सानिध्य और व्यापकता में अनुभव करना चाहता है या करने के लिए बात है। ठीक है ना? ठीक है योगेश भाई, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। और कोई नहीं तो मैं अगले अध्याय के एक दो पेज पढ़ सकता हूँ। इतनी ब्रेन स्ट्रॉमिंग के बाद हाँ अगले में घुसने अगले पे नहीं जाने का मन है नहीं नहीं जाए सब हाँ। जा सकते, मैं तो वैसे ही कह रही हूँ कि ब्रेन स्ट्रॉमिंग तो इतनी हो गई हाँ। इसीलिए जो है ना मतलब अनुभव दर्शन जो है, जब तक मानव व्यवहार दर्शन ठीक से नहीं पचाया है ना, तो अनुभव दर्शन को पकड़ना मुश्किल होता है थोड़ा सा। तो इसलिए इसको पचाना जरूरी है। ठीक है, फिर अगला पेज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एक दो पेज। कल इसको रिपीट भी करेंगे फिर से, तो कल के लिए थोड़ी सी तैयारी हो जाएगी विचार करने के अर्थ में। तो लिखा है कि क्रिया समूह ही विराट है। ये जो विराट शब्द जो है ना, हमारी परंपरा में प्रचलित शब्द है, तो जिसको हम लोग ग्रह गोल नक्षत्र तारा मंडल आदि सबको मिला के सम्मिलित रूप से विराट कहते हैं।
तो इसीलिए कई बार ये भी कहा गया है कि जो ईश्वर का जो विराट रूप है ना, जैसा गीता में लिखा है कि ईश्वर का जो विराट रूप है, तो इसी तरीके से ब्रह्म सूत्रों में ये जितना भी क्रिया समुच्चय है इसको जो है ब्रह्म का शरीर भी बोला गया है। तो ब्रह्म का शरीर के रूप में जो है उसको विराट शब्द का उपयोग आया है। तो बाबा जी इसको स्पेसिफिक कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ये सब रहस्यात्मक है, क्योंकि फिर कई बार ये भी स्पष्ट नहीं होता है कि जब हम ये जो जो विराट है यानी क्रिया समुच्चय है इसी को विष्णु कह रहे हैं या इसी को शिव कह रहे हैं, और फिर इसके अंदर में कोई शक्ति नाम की चीज़ है ऐसा बोल रहे हैं, तो शिव शक्ति के रूप में देखते हैं। तो जैसे शिव को यदि क्रिया समुच्चय के रूप में कहते हैं तो कहते हैं कि शिव जो है वो पदार्थ है और पदार्थ में जो ऊर्जा है उसको शक्ति कहते हैं। तो इसीलिए एक ऐसी कहानी भी सुनने को मिलती है कि यदि शिव में शक्ति नहीं है तो शिव शव है यानी मृत है ऐसा बोलते हैं। और वो शैववादी जो लोग हैं वो कहते हैं कि यदि शिव नहीं है तो शक्ति का प्रकटन नहीं है, शक्ति का पहचान नहीं है, इसीलिए शक्ति की पहचान जो है वो उसमें होती है। तो ये मैंने जो विराट शब्द का उपयोग है उसके बारे में कुछ आपका ध्यान दिलाया है, लेकिन यहाँ पर सहस्तित्ववाद में क्रिया समुच्चय को ही विराट कह रहे हैं, क्रिया समूह ही विराट है। इकाइयाँ विकास के अंतरांतर वैविधता से रहित नहीं है, तो कह रहे हैं कि क्योंकि विकास में अंतरांतर है, क्योंकि उनमें विकास का एक क्रम है, जागृति का एक क्रम है, इसीलिए इकाइयों में वैविधता है। फिर लिखा है कि असंख्य विविधता का समूह ही विराट है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो जो क्रिया समुच्चय जो है वो विविधता के साथ क्रिया समुच्चय है ना, यानी असंख्य विविधताओं के समूह ही विराट है। जैसे केवल जड़ परमाणु में देखें तो उनमें बहुत सारी विविधताएं हैं, फिर प्राणावस्था जीवावस्था में बहुत सारी विविधताएं हैं, ये सब देखने को मिलती हैं। तो इसलिए असंख्य विविधताओं का समूह ही विराट है। फिर आगे लिखा है कि विराट ही प्रकृति है, तो इसी को आप विराट कह दीजिए, क्रिया समुच्चय कह दीजिए, प्रकृति कह दीजिए, बात एक ही है ना, या असंख्य विविधताओं का समूह कह दीजिए, वो सब का कुल मिला के जो अर्थ है वो प्रकृति है। फिर लिखा है कि ब्रह्म जो है वो व्यापक और स्थिर है, उसमें कोई तरंग कंपन स्पंदन और गति नहीं है। तो ये जो संपूर्ण प्रकृति है वो ब्रह्म में ही है, तो ब्रह्म जो है व्यापक वस्तु के रूप में है, और इस व्यापक वस्तु में ना कोई तरंग है ना कंपन है और ना ही स्पंदन है। स्पंदन का मतलब है श्वास प्रश्वास की क्रिया, इसमें कोई स्पंदन भी नहीं है और इसमें कोई गति भी नहीं है। तो ये जो तरंग कंपन स्पंदन और गति जो है वो प्रकृति में ही होती है, क्रिया में ही होती है या पदार्थ में ही होती है ना। इस तरीके से कंपन तरंग स्पंदन और गति जो है वो क्रिया की लाक्षणिकता है या पदार्थ की लाक्षणिकता है या रचनाओं की लाक्षणिकता है, यानी प्रकृति की लाक्षणिकता है, ब्रह्म की नहीं है। तो ब्रह्म जो है व्यापक है, स्थिर है। फिर लिखा है कि ये जो ब्रह्म है यह पारगामी है ना, यह ब्रह्म पारगामी है। पहले हम लोगों ने अपरिणामी है ऐसा भी पढ़ा था, फिर ये भी पढ़ा था कि ब्रह्म पूर्ण है ना। फिर लिखा है कि यह आकार प्रकारात्मक सीमा से बाधित नहीं है, क्योंकि मानव की कल्पना में ये जो व्यापक वस्तु के रूप में ब्रह्म है इसका कोई सीमा मानव की कल्पना में आता नहीं, अतः इसमें कोई संकल्प और विकल्प भी नहीं है, क्योंकि ये जैसा है वैसे ही रहता है, इसलिए इसमें कोई संकल्प विकल्प नहीं है, क्योंकि इसमें कोई क्रिया ही नहीं है इसलिए संकल्प और विकल्प नहीं। ये संकल्प विकल्प नहीं है ऐसा इसलिए भी कहा गया है क्योंकि परंपरा में ऐसा कहा गया कि ब्रह्म के संकल्प से जो है जगत की उत्पत्ति हुई, ब्रह्म को संकल्प हुआ और उससे जगत की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन कह रहा है कि ब्रह्म में कोई संकल्प नहीं है और इसलिए विकल्प भी नहीं है।
फिर लिखा है कि सत्ता में समाहित अनंत क्रियाएं गतिशील स्पंदनशील कंपनशील तरंगित पाई जाती हैं। तो सत्ता यानी व्यापक वस्तु में जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे वो परमाणु की क्रिया हो, चाहे ग्रह गोल नक्षत्र तारामंडल के रूप में क्रिया हो, उन सभी क्रियाओं में गतिशीलता है, स्पंदनशीलता है, कंपनशीलता है और तरंगित हैं, उनमें तरंग भी पाई जाती है। जिसके फलस्वरूप, क्योंकि ये सब है, गतिशीलता है, स्पंदनशीलता है, कंपनशीलता, तरंगित है, इसके कारण से उनमें परिणाम है, परिपाक है। तो जिसके फलस्वरूप परिणाम परिपाक पूर्वक प्रकृति चार अवस्थाओं में प्रकट है। चार अवस्था से मतलब पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञान अवस्था के रूप में प्रकट है। और ये चारों अवस्थाएं जो हैं परिणाम परिवर्तनी है ना, परिणाम और परिपाक परिवर्तन के रूप में है। फिर लिखा है प्रत्येक क्रिया सीमित है, क्रिया जो है कितनी भी विशाल क्यों ना हो उसकी कोई ना कोई सीमा है। फिर लिखा है सत्ता में संप्रक्त है और प्रत्येक क्रिया सीमित होते हुए सत्ता में डूबी भीगी घिरी हुई है, उसी को सत्ता में संप्रक्त है कह रहे। अतः ब्रह्म परिणाम आदि क्रिया का कारण नहीं है, तो वो कह रहे हैं क्योंकि उसमें डूबी भीगी घिरी हुई है, इसलिए ब्रह्म जो है परिणाम आदि क्रिया का कारण नहीं है, ब्रह्म क्रिया का कारण नहीं। फिर लिखा है कि क्रिया समूह का आधार ब्रह्म ही है, यह निर्णय ज्ञान अवस्था की इकाई में है। क्रिया समूह का आधार ब्रह्म ही है, इसका जो पता चलता है यानी यह निर्णय का मतलब है कि यह अनुभव जो है वो ज्ञान अवस्था की इकाई में ही होता है, बाकी जो ज्ञान अवस्था की इकाइयां नहीं है यानी जिसको अपन जड़ प्रकृति कह रहे हैं उसमें इसका अनुभव नहीं है, बोध नहीं है। फिर लिखा है कि ब्रह्म संकल्प विकल्प आदि क्रिया नहीं है, तो ये भी ऊपर भी बोला गया था, इसको एक बार फिर से यहाँ पर रिपीट किया है ना कि ब्रह्म में संकल्प विकल्प आदि क्रिया नहीं। फिर लिखा है कि ब्रह्म में क्रियाशीलता के प्रति वर्तमान में कोई पुष्टि या प्रमाण नहीं है, क्योंकि ब्रह्म को परंपरा में ब्रह्म ही कर्ता भोक्ता और दृष्टा के रूप में ब्रह्म को ही बोला गया है, तो इसलिए ब्रह्म को क्रिया के रूप में प्रतिपादित किया है बहुत सारे लोगों ने, जो परंपरागत जो बहुत सारे जो दर्शन मीमांसाकार हैं उन्होंने कहा कि ब्रह्म में क्रियाशीलता रहती है, और वो क्रियाशीलता के कारण कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पत्ता पत्ता उसकी मर्जी से हिलता आदि इस तरीके की भी प्रतीकात्मक भाषा सुनने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन कह रहा है कि ब्रह्म में क्रियाशीलता के प्रति, कि ब्रह्म में कोई क्रियाशीलता है इसकी कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और प्रमाण भी नहीं है। इसकी व्यापकता में पुष्टि प्रमाण उपलब्ध है, जबकि इसकी व्यापकता के अर्थ में इसकी पुष्टि भी है और प्रमाण भी है, है ना। फिर लिखा है कि अनुभव में वर्तमान क्रिया प्रतिष्ठा है, अनुभव में वर्तमान क्रिया जो अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में नित्य वर्त रहा है, इस क्रिया की जो प्रतिष्ठा है ना, अनुभव में वर्तमान क्रिया प्रतिष्ठा है, इसकी प्रतिष्ठा वही है जो आत्मा में है। आत्मा ही सहअस्तित्व में प्रतिष्ठित रहती है। भूत और भविष्य केवल अनुमान है, तो जो अनुभव क्रिया है वो वर्तमान है और भूत और भविष्य केवल अनुमान है। हमेशा जो अनुभव की क्रिया होती है वो वर्तमान ही रहती है, वो भूत और भविष्य केवल अनुमान है। अनुमान साधार और निराधार भेद से गण्य है, जो स्पष्टता और अस्पष्टता को प्रकट करता है। फिर लिखा है कि नियम प्रक्रिया लक्षण सहित साधार अनुमान है। यदि नियम प्रक्रिया और लक्षण के साथ यदि कोई अनुमान है तो वो साधार अनुमान है, और यदि नियम के बिना, प्रक्रिया के बिना और लक्षण के बिना यदि हम कोई अनुमान लगाते हैं वो निराधार अनुमान है। फिर लिखा है प्राप्त की अनुभूति और प्राप्य का उपलब्धि प्रसिद्ध है। प्राप्त का मतलब है जो जो
व्यापक वस्तु है वो सभी इकाइयों को प्राप्त है, क्योंकि सभी इकाइयों में पारगामी है, इसीलिए प्राप्त की अनुभूति लिखा है। और प्राप्य का मतलब है जो मानव इकाई संबंध पूर्वक परस्परता के रूप में जो प्राप्त होती है, एक दूसरे को उपलब्ध रहती है, उस रूप में प्राप्य है। जैसे मानव में जो उत्पादन है प्राप्य है, मानव में जो संबंध है वो प्राप्य है, इसको प्राप्य है। फिर लिखा है प्रत्येक इकाई विराट का अंश है, वह विराट का संकेत ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त है। तो इसमें दो बातें हैं कि हर इकाई यानी जैसे मानव का होना, किसी परमाणु का होना या किसी पृथ्वी का होना, ये सब विराट का अंश है और ये विराट के संकेत ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त है। जैसे पृथ्वी भी विराट के संकेत को ग्रहण करती है, परमाणु भी विराट के संकेत को ग्रहण करता है, और मानव भी विराट के संकेत को ग्रहण करता है, और चैतन्य इकाई भी विराट के संकेत को ग्रहण करती है। विराट के संकेत को ग्रहण करना ही स्वागत भाव है, जिसको हम लोग स्वागत भाव करें, यानी सह अस्तित्व के संकेतों को ग्रहण करना, यही विराट के संकेतों को ग्रहण करने की क्रिया है। फिर है प्रकृति निर्माण के आरंभिक क्रम तथा ब्रह्म के अस्तित्व के आरंभिक काल के संबंध में कोई प्रमाण नहीं है। तो जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रकृति का आदि है और प्रकृति का अंत है, ऐसी कुछ लोग मान्यताएं व्यक्त करते हैं। और कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा है कि प्रकृति अजर अमर अविनाशी है, ना उसका आदि है ना अंत है, ऐसा भी किताबों में लिखा हुआ है। तो यहाँ बाबा जी कह रहे हैं कि प्रकृति के निर्माण के आरंभिक काल का कोई प्रमाण नहीं है, और उसी तरीके से ब्रह्म के अस्तित्व के आरंभिक काल में के संबंध में कोई प्रमाण नहीं है। कई बार लोग ऐसा भी कहते हैं जब कुछ नहीं था, पहले कुछ भी नहीं था और इसके बाद कुछ नहीं से जो है ये जगत पैदा हुआ, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रकृति के निर्माण के आरंभिक क्रम तथा ब्रह्म के अस्तित्व का आरंभिक काल के संबंध में कोई प्रमाण नहीं है। वर्तमान में सत्ता और सत्ता में समाहित प्रकृति ही प्रत्यक्ष है। तो वर्तमान जिसको अपन कह रहे हैं, जो निरंतर उद्भव विभव प्रलय के साथ भी वर्तमान है, चार अवस्थाओं के साथ वर्तमान है, या सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति के रूप में जो वर्तमान है, तो वर्तमान में सत्ता और सत्ता में समाहित प्रकृति ही प्रत्यक्ष है और ये नित्य और शाश्वत है। मतलब इसका कोई आदि नहीं है, इसका कोई प्रकृति और सत्ता के आदि और अंत की चर्चा विगत और आगत में है। तो वो कह रहे हैं कि विगत में भी इसकी चर्चा है और विगत के बाद भी इसकी चर्चाएं होती रही हैं, जिसको आगत कह रहे हैं, जिसके अंतराल का कोई प्रमाण नहीं है। फिर लिखा है कि गणना जो है वो ऋण और धन और अनंत की स्थिति में प्रस्तुत हुई है। तो जो भी गणना है वो ऋणात्मक गणना है, धनात्मक गणना है, या अग्राह्य गणना में अग्राह्यता के रूप में अनंत की स्थिति में प्रस्तुत हुई, इसलिए निराधार अनुमान प्रत्यक्ष या साधार नहीं है। इसीलिए जो निराधार अनुमान है वो प्रत्यक्ष और साधार नहीं, और साधार आवाज आनी बंद हो गई क्या सुरेंद्र भैया की? हाँ भैया शायद जो है बाहर निकल गए हैं, वापस ज्वाइन होंगे। अच्छा। हाँ हाँ हाँ
ये योगेश भैया इसका कुछ थोड़ा सा और रखेंगे आप, गणना ऋण घन धन हाँ जी अनंत, हाँ जी ऋण और धन मतलब धनात्मक हो गया और ऋणात्मक हो गया, और अनंत के लिए है वो। आनंद के लिए मतलब मतलब जो हाँ जी आगा क्रिया, जो अग्राह्य क्रिया समुच्चय है हाँ और जिसके अंतराल का कोई प्रमाण नहीं, मतलब जो आदि और अंत के लिए जो अंतराल है उसका कोई प्रमाण नहीं। हाँ जी ठीक कह रहे हैं सुनीता बहन आप जुड़ गए भैया। चलिए ठीक है। हाँ जी आ गया हूँ मैं है आपके ब्रेक लेने से हमने गप सप माल कर ली। नहीं अच्छा किया आपने बढ़िया तो हम भी यहीं रोक रहे हैं जी कल इसको अध्याय 3 को एक बार फिर से पढ़ेंगे। जी ठीक है, बैकग्राउंड तैयार हो गया था। अभी इसमें कुछ बातचीत करना तो कर सकते हैं और जिनको जाना हो वो जा भी सकते हैं क्योंकि नींद आ कल रही इसको फिर से पढ़ेंगे इसलिए जिनको है। जरूरी जरूरी काम है वो जा सकते हैं ठीक है, और यदि हरिहर किसी को चर्चा करना है तो रुक सकते हैं। भैया सुनीता बहन जी, योगेश भैया वो जो आप प्रश्न अभी अभी जो हमने चर्चा किया ना वो अगर भैया के साथ एक बार जो है आप रख लीजिए वो जी गणना के बारे में अगर जी स्पष्टता चाहते हैं तो जी ठीक है। हम लोग एक भैया ये कह रहे थे कि जो अंतराल का प्रमाण नहीं है, मतलब आदि और अंत कब से है और कब होगा उसका कोई, उस अंतराल की बात कर रहे हैं ना, उन दोनों के बीच का जो समय है जिसका कोई प्रमाण ही नहीं है ना, ना आदि है ना अंत है, मतलब वो तो है ही हमेशा से उस अर्थ में ना। तो प्रकृति के निर्माण के आरंभिक क्रम तथा ब्रह्म के अस्तित्व के आरंभिक काल के संबंध में कोई प्रमाण नहीं ऐसा लिखा हुआ उसी को लिखा है ना, जिसके अंतराल का कोई प्रमाण नहीं है, तीसरा सेंटेंस है। ठीक है इसी में आगे लिखा है क्या हाँ थर्ड थर्ड लाइन है। हाँ हाँ ये लिखा है अच्छा प्रकृति और सत्ता के आदि और अंत की चर्चा विगत और आगत में है इसके अंतराल का कोई प्रमाण नहीं है मतलब जो विगत और आगत में कह रहे हैं इस विगत और आगत के बीच के अंतराल की बात कर रहे जी, और जो गणना है मतलब ऋण, जो विगत है विगत से लेके आगत तक जो भी आगे तक जो भी कहा गया है उसमें कह रहे हैं प्रमाण नहीं है जी जो विगत में कहा गया और उसके बाद आगत में जो उसके बाद में जो कहा गया उसमें कह रहे हैं कि उस अंतराल में कोई प्रमाण नहीं जी ठीक है। यहाँ पे अंतराल इस जगह पे ले, विगत और हाँ आगत के बीच का अंतराल में, और हाँ विगत और गणना आगत जो है ये ऋण मतलब और धन मतलब सब्स्ट्रक्शन और एडिशन, और जो अनंत मतलब जो क्रिया समुच्चय का है उसके अर्थ में है ना। हाँ जी उसी के अर्थ जी अनंत का मतलब है गणना में अग्रह मतलब गणना क्रियाएं में, इतनी अनंत हैं कि उनकी गणना नहीं कर सकते गणना अच्छा, नहीं हो सकती गणना की कल्पना हाँ जो है गणना में वो खत्म आग्रह हो जाती है और क्रिया है। बची रहती है अग्रह है ग्रहण नहीं होती जी, है वस्तु बची रहती है और गणना की कल्पना मानव में खत्म हो जाती है जैसे कितने परमाणु हैं तो अपन गणना नहीं कर सकते आदमी ने गणना की जितनी भी कल्पना की है उससे उस सीमा में वो आते नहीं है इसीलिए अनंत शब्द का उपयोग किया बिल्कुल। अभी एक किसी ने गणना की कि जो अर्थ और सन के बीच में जितना स्पेस है उसमें 53 करोड़ धरतियां आ सकती हैं, हमारी धरती का जो साइज है उसके आधार पे, तो इतनी दूर तक गणना को ले, तो उसके बाद और स्पेस में जाएंगे तो कहाँ तक गणना करेंगे। बिल्कुल ठीक बात। जी फिर ये तो बड़ी इकाइयां हो गई अब एक छोटे से
छोटी सी वस्तु में कितने परमाणु हैं उसका गणना नहीं कर सकते। बिल्कुल वस्तु या नहीं इकाई। बस हो गया और कुछ योगेश भाई कुछ बोलना आपको? नहीं भैया मैं अभी जो है 2 मिनट के लिए बाहर निकल गया था, अभी कोई बात वापिस ज्वाइन हुआ हूँ। भास्कर भाई कुछ आपको? नमस्ते भैया, एक मुझे एक बात पूछनी थी, गूगल मीट का टाइमिंग और चार्जेस का कुछ बताएंगे योगेश भैया आप? क्या मतलब कि यदि ये आपने पे कर किया है क्या? हाँ इसमें कोई 200-300 रुपए का पेमेंट है महीने का। अच्छा महीने का, और फिर टाइमिंग कितना है? सुनील भाई को पता होगा, सुनीता बहन जी जी सुनील भाई है, फिर जितना चाहे आप चलाइए। सुनील भाई, सुनील भाई का माइक काम नहीं कर रहा है। अच्छा ऐसा है, ठीक है फिर कल पूछ लेंगे सुनीता बहन, कल पक्का पूछ के आपको डिटेल। नहीं मैंने पूछा था, उन्होंने बताया कि 200 रुपए के आसपास लगा था। अच्छा और फिर जो है अनलिमिटेड टाइमिंग? हाँ एक महीने का, एक महीने में जितना यूज करना चाहो कर सकते हो। हाँ जितना यूज करना। अच्छा अच्छा, वैसे पेमेंट नहीं करने की स्थिति में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें रिकॉर्डिंग फैसिलिटी नहीं आती है। अच्छा, उसमें कोई पेमेंट नहीं लगता, बिना पेमेंट के भी कर सकते हैं। अच्छा लेकिन उसमें 1-2 फीचर नहीं आते हैं, इसीलिए हम लोगों ने 200 रुपए पेमेंट करके इसको किया। अच्छा हरिहर सभी को, हरिहर। अजय अजय भाई, अजय कुमार जी कहाँ से हैं आप? अजय भाई बाकी लक्ष्मण भाई, के साहू जी, नवनीत दीक्षित जी, पदम के साहू तो जो उत्सव पारा वाले गौरी कांत। हाँ, 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 गौरी कांत 2009 में छत्तीसगढ़ के पहले बैच के थे ना। हाँ ऋतिक गौतम, सुनील छांगवाल, सुशील महाजन और यज्ञेश, यज्ञेश तो कल भी थे, कल उनसे बात हुई थी यज्ञेश। ठीक है लक्ष्मण भाई, ठीक है हरिहर, फिर कल मिलते हैं ना। हाँ भैया ठीक है। अच्छा वो बात हुई जो ऋणात्मक गणना और धनात्मक गणना, वो बात नहीं हुई, अपन कल कर लेंगे, अभी कुछ आपको बोलना तो बता। नहीं, वो जो है सुनीता बहन पूछ रही थी और उस दौरान जो है एक फोन आ गया तो मैं बाहर निकल गया, तो मैं सोचा उस बारे में कुछ बात हुई, वो जो धनात्मक गणना और ऋणात्मक गणना। हाँ वही है ना, घटाना जोड़ना। हाँ जोड़ घटाना बिल्कुल कोई सही बात है। ठीक बात है भैया, तो कल मिलते हैं फिर। ठीक है, ठीक है भैया, हरिहर हरिहर सभी को हरिहर। अजय भाई, अजय भाई सुनाई दे रहा, अजय भाई, अजय कुमार, नवनीत दीक्षित जी कुछ आपको कुछ बात करना, ऋतिक गौतम, ठीक है किसी को अभी कुछ नहीं पूछ। अरे यार फिर कल मिलते हैं।